हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक इट इज 1.3.3 कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी कि विच आर डिफरेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमारा लास्ट पॉइंट था, उसके अंदर हमने नंबर्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखे थे। तो सेम कंसेप्ट देखेंगे कि वन बाय वन जो भी टेक्नोलॉजी के नेम्स हमने देखे थे, अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सेम वही जो नंबर्स ऑफ सर्विसेज है, हर एक सर्विसेज के ऊपर एक डिफरेंट वीडियोज होने वाली कि हर एक सर्विस के अकॉर्डिंगली, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपको एक नंबर्स ऑफ चैप्टर्स होने वाले। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर फॉर एन इंट्रोडक्शन पर्पस इस चीज़ें होने वाले, एंड नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर नंबर्स ऑफ होने वाले। तो यहाँ पे देखते कि कौन कौन से थे। तो फर्स्ट अमेजॉन वेब सर्विस, गूगल ऐप इंजिन, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, हडूप, Salesforce.com से एंड Salesforce.com, एंड लास्ट मंजरा एनेका। ओके, नंबर्स ऑफ 6 प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी हमने देखे थे। अभी हम वन बाय वन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर में जैसे नेक्स्ट जो भी आपके सेशन होंगे इसके बाद, तो उसके अंदर वन बाय वन जैसे कि अमेजोन के नंबर्स ऑफ सर्विसेज, गूगल ऐप इंजिन, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती, कैसे नंबर्स ऑफ वीडियोज या नंबर्स ऑफ सेशन उसके ऊपर होने वाले। तो डोंट वरी, ये जो ऑल ओवर जितने भी प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक कॉमनली क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर किए, ओवरलुक जस्ट लाइक बोल सकते हैं, इसके अंदर हम ओवरलुक करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं विथ एन फर्स्ट दैट इज एन अमेजॉन वेब सर्विस, जिसको हम AWS शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अमेजॉन वेब सर्विस। सो AWS ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ranging from a virtual compute storage and networking to complete a computing stack. The AWS is the most known as a compute storage on demand services, namely Elastic Computing Cloud and Simple Storage Services. सो यहाँ पे दो टाइप्स के सर्विसेज ऑन डिमांड हम प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट EC2 एंड सेकेंड S3। EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। फर्स्ट इसके अंदर दैट इज EC2 एंड सेकेंड S3। तो EC2 इन द सेंस इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, सो इट प्रोवाइड अ यूजर विथ एन कस्टमाइज्ड वर्चुअल हार्डवेयर that can be used as an base infrastructure for deploying कंप्यूट सिस्टम ऑन क्लाउड कि क्लाउड के ऊपर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले फॉर एन वर्चुअल हार्डवेयर क्रिएशन करने के पर्पज से हम यहाँ पे EC2 ये टेक्नोलॉजी यूज करने वाले। इट्स पॉसिबल टू चूज फ्रॉम अ लार्ज वैरायटी ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर कॉन्फिगर इंक्लूड्स GPU एंड clusters instance. EC2 instance are deployed either by using an AWS console, which is a comprehensive web portal for accessing AWS services, Amazon Web Services, or by using an web services API available for several programming languages. कि दोनों वे से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक इटसेल्फ जो AWS का कंसोल होगा and second web services by using a numbers of API जो available से हमारे पास। Then EC2 Elastic Compute Cloud provide the capability to save a specific running instance as an image, thus the allowing user to create their own template for deploying and system. Okay, EC2 also provide a provision of an instance running image in the sense जो template वाला, okay, these templates are stored into a S3 कि इसके जो templates है वो कहाँ पे store होने वाले हैं, इन S3 simple storage services के अंदर that deliver a persistent storage on demand कि S3 यहाँ पे क्या provide करने वाला है, a storage facility कि जैसा कि हमारे सर्वर के ऊपर हमें कोई भी चीज़ सेव करनी होगी, स्टोर करनी होगी, उस पर्पज से हम क्या करते हैं, S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस यूज करते हैं। तो S3 इज ऑर्गेनाइज इनटू अ बकेट, दिस कंटेन ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड अ बाइनरी फॉर्म and can be enriched with an attribute. The user can store an object of any size from a simple file to entire disk image, have them accessible from everywhere. कि वाया using an bucket and object concept हमने last time देखा था। तो bucket क्या होता है या ऑब्जेक्ट क्या होता है इफ हमने लास्ट टाइम नहीं देखा होगा। सो जब भी हम अमेजोन का जो एक्चुअल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि बकेट इन द सेंस जस्ट लाइक एक डेटाबेस होगा एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंस मेटा डेटा होने वाला है जिसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा स्टोर होने वाला है, देन ऑब्जेक्ट स्टोर ऑन बकेट। तो इस सिनेरियो से जो नंबर्स ऑफ डेटा होगा यहाँ पे स्टोर होने वाला है। Then beside EC2 and S3, the wide range of services can be leveraged to build a virtual compute system, include a networking support, include a caching system, DNS domain name system, database with a relational or without relational database, and it supports and multiple services और जितने भी सर्विसेज है सभी हमें Amazon थ्रू प्रोवाइड होती है। ये सिंपल हो गया Amazon कंसेप्ट। देन सेकेंड देखते हैं शॉर्ट में, दैट इज एन गूगल ऐप इंजिन। तो सेकेंड कंसेप्ट हमारा दैट इज एन गूगल ऐप इंजिन। सो गूगल ऐप इंजिन, द गूगल ऐप इंजिन इज एन स्केलेबल रनिंग एनवायरनमेंट मोस्टली डिवोट टू एग्जीक्यूशन ऑफ एन वेब एप्लीकेशन. Okay, it takes an advantage of a large computing infrastructure of Google to dynamic scale the demand varies over the time. Okay, जो infrastructure हमें provide करना है and जो dynamically scaling features Google क्या करता है यहाँ पे provide करता है। जैसे Google का foreign storage features हम क्या देखते हैं, Google Drive तो most of हम people use करते हैं या लेकिन जो अभी हम यूज कर रहे हैं यूट्यूब के ए बी वन ऑफ द फीचर्स है जो गूगल ने प्रोवाइड किया है। तो सेम गूगल ऐप इंजन क्या कर रहा है यहाँ पे हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, ओके इंफ्रास्ट्रक्चर कोई क्रिएट करना होगा, कोई वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा, रन करना होगा, तो उस पर्पज के लिए हमें गूगल ऐप इंजन यूज होता है। देन नेक्स्ट द ऐप इंजन प्रोवाइड अ बोथ सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट and the collection of end service that simplify the development of an scalable and high performance web application. This service is included in a memory cache, scalable data store, data job queue, messaging and constant. Okay, a multiple services हमें Google App Engine प्रोवाइड करता है। देन डेवलपर कैन बिल्ड अ टेस्ट एप्लीकेशन ऑन देयर ओन मशीन वाया यूजिंग एन ऐप इंजिन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK। ओके SDK फाइल जो रिक्वायर होने वाली है हमें यहाँ पे हम वो भी यूज करेंगे इन गूगल ऐप इंजिन एंड उसके अकॉर्डिंगली जितने नंबर्स ऑफ रेप्लिकाज आपको क्रिएट करना है विच रेप्लिका द प्रोडक्शन रन टाइम एनवायरमेंट एंड हेल्प द टेक्स्ट एंड प्रोफाइल एंड एप्लीकेशन. Once the development is complete, then a developer can easily migrate an application to an app engine, set a code to contain the codes generated and make the application available to the world. कि simply if हमने हमारे Google App Engine के अंदर application को build कर दिया, then हम easy way में क्या कर सकते हैं उसको deploy कर सकते हैं over an internet and world के लिए क्या हो जाएगा, free हो जाएगा. Then most important question that is then कि कौन सी language इसके लिए required है. Okay, कि Google App Engine के ऊपर हमें application build करना है तो कोई तो specific language required होगी. So simple है, the Google language, the language currently supported are Python, Java and Go. Okay, most of the 3 language के अंदर हम क्या करते हैं, गूगल ऐप इंजन के अंदर कोई भी नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना होगा, सो एप्लीकेशन इसके 3 लैंग्वेज तो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, दैट इज एन इंजन, सबको पता है। सो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इज एन क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ प्लेटफॉर्म for developing an application in and cloud. It provides a scalable runtime environment for a web application and a distributed application in general. Okay, the application in an Azure are organized around the concept of roles. Okay, इसके अंदर numbers of 3 roles के concept हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से roles इसके अंदर define किए गए हैं। Okay, which identify a distribution unit of an application, embody of an application logic, and currently they have 3 types. कि कौन से 3 types के roles यहाँ पे हमें देखने हैं। तो first role that is a web application, second role that is a worker role, and third role that is a virtual machine role. ये तीनों role के बारे में description देखते हैं कि तीनों रोल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले। तो फर्स्ट रोल वेब रोल, इट इज अ डिजाइन टू द होस्ट अ वेब एप्लीकेशन एंड के, सो फॉर होस्ट ऑफ एन वेब एप्लीकेशन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेब रोल। सेकेंड दैट इज अ वर्कर रोल, इट इज अ मोर जेनरिक कंटेनर एप्लीकेशन, इट कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वर्कलोड प्रोसेसिंग। के वर्कलोड प्रोसेस करने के लिए जो रोल क्रिएट किया है जेनरिक कंटेनर एप्लीकेशन, दैट इज एन वर्कर रोल। थर्ड दैट इज एन वर्चुअल मशीन रोल, ओके, इट प्रोवाइड अ वर्चुअल एनवायरमेंट इन विच द कंप्यूटिंग स्टैक कैन बी फुल्ली कस्टमाइज इंक्लूड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जो भी आपको वर्चुअल एनवायरमेंट के अंदर टास्क परफॉर्म करना है तो उस पर्पस के लिए आप क्या करोगे, वर्चुअल मशीन रोल यहाँ पे यूज करने वाले हो। ओके, बिसाइड अ रोल द एज़्योर प्रोवाइड अ सेट ऑफ एडिशनल सर्विसेज दैट एंड कॉम्प्लीमेंट एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, सच एज अ सपोर्ट फॉर अ स्टोरेज, नेटवर्किंग, कैचे, कंटेंट डिलीवरी एंड अदर सर्विसेज। ओके, तो रोल्स के साथ क्या कर रहे हैं, ये भी नंबर्स ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, लाइक स्टोरेज, नेटवर्किंग, कैचे एंड कंटेंट डिलीवरी। के नंबर्स ऑफ सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हमें प्रोवाइड करने वाला है। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते सर्विस दैट इज एन हडूप। ओके, तो हडूप के बारे में पता है सबको। सो हडूप क्या होता है, तो फर्स्ट हडूप कौन क्या है, इट इज ऑल्सो एन open source framework that is suited for processing a large data set on a commodity hardware. It is an implement of an MapReduce. Okay, MapReduce क्या होता है? It is an application of an programming model developed by Google, which provides two fundamental ऑपरेशंस और डेटा प्रोसेसिंग। कौन से 2 ऑपरेशन है, दोनों का नाम एक ही वर्ड के अंदर हम यूज करते रहते हैं, द मैप एंड रिड्यूस। ये 2 डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट फीचर्स जो प्रोवाइड किए दैट इज एन मैप। ओके, मैपिंग इन द सेंस क्या होगा कि जैसे कि जितने भी नंबर्स ऑफ डेटाबेस या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट हमारे पास होगा उसमें से हमें डेटा फेच करना है, तो दैट इज एन मैपिंग करना है। एंड रिड्यूस इन द सेंस उसके लिए जो टाइम रिक्वायर होगा प्रोसेसिंग के लिए, पावर रिक्वायर होगा, वो कम से कम टाइम के अंदर इन मल्टीपल सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, दैट इज एन मैप रिड्यूस टेक्निक। तो गूगल ने किस तरह से प्रोवाइड किया कि कॉमनली एक सिंपल एग्जाम्पल है इसके लिए, जैसे कि गूगल सर्च इंजिन। ओके, फास्टेस्ट सर्च इंजिन, जैसे जो नंबर्स ऑफ आपको सर्च इंजिन पता होंगे उसमें से कि मेरे ख्याल से तो मेरे तरफ से तो गूगल सर्च इंजिन ही फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स। सो गूगल ऐप इंजिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैप रिड्यूस जो टेक्निक से यूज करने वाला है। देन Hadoop provides the runtime environment, and a developer needs only the input data and specific MapReduce function that need to be executed. इसके अंदर यूजर को क्या करना है Hadoop के साथ, जैसे लाइक उसको जो environment execute करना होगा तो simply जो भी input होगा वो input यहाँ पे provide करेगा, जैसे कि कौन सा data हमें required है, okay? उसके accordingly जो भी map and reduce function होगा यहाँ पे execute होने वाला है. Then second company इसके अंदर involved हुई, that is an Yahoo. Okay, Yahoo, the sponsor of the Apache Hadoop project, okay, but put a considerable effort into transforming a project into enterprise-ready cloud computing platform for data processing. Hadoop is an integral part of an Yahoo cloud infrastructure and support several business processes of a company. Currently, Yahoo manages a large Hadoop clusters in the world, which is also available to academic institutions. Okay, so then Hadoop को किसने overcome कर दिया? First उसका जो techniques थे, just like map and reduce, ये functionality Google ने यहाँ पे invent की. Then Yahoo जो था, Yahoo ने क्या कर दिया? यहाँ पे उसको overcome कर दिया, sponsor किया Apache Hadoop project को, and उसके accordingly जो data processing होगा या जो academic industry होगी उसको जो use करने के लिए जो data required होगा, जो techniques required थी, तो सभी के सभी यहाँ पे Hadoop ने यहाँ पे provide कर दी. Okay, then next देखते हैं इसके अंदर, that is then Salesforce या Force.com. Okay, so in fifth, that is an Force.com or Salesforce. Simple है. The Force is an cloud computing platform for developing and social enterprise application, and the platform for is the basis of Salesforce. Okay, Force.com कौन से platform से belong करता है, कौन से platform पे execute करने वाला है, that is Salesforce.com. A software as a service solution for custom relation management system CRM, हर किसी ने सुना होगा. CRM बेस के ऊपर एक कंपनी वर्क होने वाली, जैसे लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे. कि लास्ट सेशन में याद आपको याद होगा कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर नंबर्स ऑफ जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं हमारी डेली बेसिस के ऊपर, मोबाइल के अंदर होंगे या सिस्टम के अंदर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर यूज कर सकते हो. तो वाया CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं. Then Force.com is allowed to developer to create an application by composing ready to use a block. The complete set of components support all the activity of an enterprise are available. It also possible to develop your own component or integrated those available in a App Exchange into your application. तो Force.com यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है to create an application that are ready to use. Okay, form ready to use form के लिए हमें यूज करना है. The platform provided to complete support of developing application from a design of the data layout to the define of the business rule and workflow and define the user interface. Complete your application design, data layout and business definition rule. सभी चीजें हमें Force.com यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है. The Force.com platform is completely hosted on a cloud and provide a complete access to its functionality and those implementation in a host application throughout the web applications and technologies. कि जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो रही है, ठीक से देखो कि एक्सेस ऑफ फंक्शनलिटी, कि नंबर्स ऑफ फंक्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, होस्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड वेब सर्विसेज वाया Force.com. देन लास्ट इसके अंदर देखते हैं, दैट इज एन Manjrasoft Aneka. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इश्यू हो सकता है बट आप समझ के ले सकते हो. So Manjrasoft Aneka, so it is an a cloud application platform for a rapid creation of a scalable application and their deployment of various types of cloud in a seamless and elastic manner. Okay, it also supports a collection of program abstractions for developing applications and distributed running environment that can be deployed on a heterogeneous hardware. Okay, heterogeneous hardware in the sense yahan pe hum kya consider karenge, clusters, network development, network desktop computers and cloud resources. Then next, a developer can choose a different abstraction to a design of their application, numbers of tasks, distributed thread, MapReduce function. Okay, the application are then execute on the distributed service oriented runtime environment, which can a dynamic integrated additional resources on demand. इसलिए डायनेमिकली इंटीग्रेटेड हम क्या कर सकते हैं, जो भी एडिशनल हमें रिक्वायर हो गए रिसोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. देन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स ऑफ रन टाइम हैज अ ग्रेट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एन इंटीग्रेशन ऑफ एन न्यू फीचर सच एज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एन न्यू प्रोग्रामिंग मॉडल association with an execution management environment. The service managed is the most active happening, that is the running, scheduling, execution, accounting, billing, storage, and most of the, that is the quality of service and numbers of service यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, manage करने वाले हैं. This platform are the key example technology available for cloud computing. The mostly fall into three major market segment identify of and reference model. कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर हम कवर करते हैं? फर्स्ट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस. ओके, वायरिंग अनेका हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों मॉडल्स इसके अंदर यूज करते. तो ये तीन मॉडल हमने लास्ट टाइम देखे थे, तो उसके अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ क्राइटेरिया या जो जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते थे सभी चीज़ें हम वाया Manjrasoft Aneka के अंदर यूज कर सकते हैं. इसके अंदर कोई डाउट, इस पूरे सेक्शन के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इफ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसके अंदर हमें वन बाय वन इसके अंदर की जो फीचर्स होंगे और डीप में हम जानने वाले, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं फॉर ए फ्यूचर नोटिफिकेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.